गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फर्स्ट क्लास की कंप्यूटर की बुक का चैप्टर नंबर 4, दैट नेम इज़ डूज एंड डोंट्स विथ कंप्यूटर, कि हमें कंप्यूटर यूज़ करते समय क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और हमें उसे कैसे यूज़ करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज़ सेफ्टी। Here are two person, Aru and David. So they are talking. Aru, there are so many wires attached to the CPU. यहाँ पर बहुत सारी जो तारें हैं वो CPU के साथ अटैच की गई हैं। तो David कहता है yes, one wire is plugged into the electrical socket, so we should be careful. तो David बोलता है कि yes, यहाँ पर बहुत सारी wires हैं, इनमें से एक जो wire है वो electrical socket में लगी हुई है, तो इसलिए हमें इसे ध्यान से use करना चाहिए। Tech Genie, very good, a computer works on electricity just like your television, so it is important to be careful. तो यहाँ पर क्या हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं या फिर टेलीविजन भी है वो भी ऐसे ही काम करता है, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी का ध्यान रखना चाहिए। Ask the teacher every time you want to turn the computer on or off. If the wire has come out, ask your teacher to put it back. हमें हमेशा अपनी, अगर हम छोटे हैं तो हमें अपनी टीचर से ही पूछ के हमेशा कंप्यूटर को ऑन और ऑफ करना चाहिए, और अगर कोई वायर बाहर निकली है तो हमें अपनी टीचर को इन्फॉर्म करना चाहिए। डू नॉट पुल एनी वायर कनेक्टेड टू दी CPU। और हमें क्या नहीं करना चाहिए, CPU में जो भी तारें अटैच हैं, जो भी तारें लगी हुई हैं, उन्हें हमें खींचना नहीं चाहिए। डू नॉट पुट योर फिंगर्स इन टू एनी स्लॉट। स्लॉट यानी कि जो इलेक्ट्रिकल सॉकेट होते हैं उनमें से किसी में भी या CPU में हमें फिंगर्स को नहीं डालना चाहिए, हमें करंट लग सकता है। सो सेकेंड पॉइंट इज वर्क जेंटली। डेविड प्रेसिंग द कीज। दीज कीज आर सो ईजी टू प्रेस। टेक जीनी येस, जेंटल प्रेसिंग ऑफ ईच की इज इनफ, डोंट बैंग हार्ड ऑन द कीबोर्ड। हमें जो कीबोर्ड की जो कीज़ होती हैं, जो कीबोर्ड पर बटन्स होते हैं, उनको क्या करना चाहिए, हमें उन्हें बहुत सॉफ्टली यानी कि जेंटली प्रेस करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उन्हें हार्ड प्रेस करेंगे तो वो जो बटन होते हैं वो कई बार बाहर भी निकल जाते हैं। डू नॉट पुल पार्ट्स अवे फ्रॉम द कंप्यूटर। जैसे कि हमने कीबोर्ड देखा है, कीबोर्ड कई बच्चे क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं डेस्क से, तो हमें जो है डेस्क से वो बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि जो वायर है वो भी उसके साथ खिंच जाती है। थर्ड इज क्लीनलीनेस। डेविड आई एम वेरी हंग्री, कैन वी ईट नाउ। टेक जीनी व्हाट इफ सम फूड फॉल्स ऑन द कीबोर्ड। आरू इट विल बिकम स्टिकी एंड स्टॉप वर्किंग। टेक जीनी करेक्ट, कीप द कंप्यूटर एंड इट्स नियर बाय क्लीन। हमें कभी भी कंप्यूटर लैब में बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर उस पर कुछ खाना गिर गया तो जो कीबोर्ड है वो ख़राब भी हो सकता है और वो क्या हो जाएगा, चिपचिपा भी हो सकता है। कवर द कंप्यूटर व्हेन इट इज़ नॉट इन यूज़। हमें कंप्यूटर को ढक देना चाहिए जब हम उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, और हमें कंप्यूटर के पास कोई भी लिक्विड चीज़ नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर वो कीबोर्ड पर गिर गई या मोनिटर पर गिर गई तो वो ख़राब हो सकते हैं। नेक्स्ट इज़ करेक्ट पोस्चर। हमें जब कंप्यूटर यूज़ करना है हमें एक करेक्ट पोस्चर में बैठ के यूज़ करना है। टेक जीनी व्हाट विल हैपन इफ़ यू सिट वेरी क्लोज टू द मोनीटर। कि अगर हम मोनीटर के बहुत ही क्लोजली बैठेंगे तो क्या होगा। डेविड वी विल नॉट बी एबल टू सी द स्क्रीन क्लियरली, आर आइज विल स्टार्ट हर्टिंग। इससे क्या होगा, अगर हम बहुत पास बैठकर कंप्यूटर को चलाएंगे मोनीटर के, तो जो है हमारी आइज पर उसका बैड इफेक्ट होगा। टेक जीनी येस, वेन यू आर यूजिंग अ कंप्यूटर योर पोस्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमें एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए मोनीटर से, जिससे हमें क्लियरली दिखे। कीप योर चेयर एट अ प्रॉपर हाइट, कीप अ प्रॉपर डिस्टेंस फ्रॉम द मोनीटर। येस, कि हमें मोनीटर से प्रॉपर डिस्टेंस रखना चाहिए, और हमें जो है बिल्कुल स्ट्रेट होकर जो है चेयर पर बैठना चाहिए। डोंट कीप योर हैंड ऑन द माउस कॉन्टिन्यूसली। और हमें माउस पर कॉन्टिन्यूसली हाथ नहीं रखना चाहिए, हमें बीच बीच में माउस से जो है वो हाथ हटा लेना चाहिए। नेक्स्ट इज शेयर इक्वली। डेविड आई हैव फिनिश्ड प्लेइंग दिस गेम, इट इज़ योर टर्न नाउ। तो डेविड बोलता है कि मैंने अब कंप्यूटर में गेम खेल लिया, अब तुम्हारी बारी है। टेक जीनी येस,
इट इज़ गुड दैट यू आर टेकिंग टर्न्स इन यूजिंग द कंप्यूटर इन स्कूल यू हैव टू शेयर कंप्यूटर विद योर फ्रेंड्स एवरीबडी शुड गेट एन इक्वल चांस टू लर्न एंड प्ले सो हमें कंप्यूटर को शेयर करना चाहिए अगर 5 मिनट किसी एक बच्चे ने चलाया है तो 5 मिनट दूसरे बच्चे की बारी भी आनी चाहिए टेक टर्न फॉर यूजिंग दी कीबोर्ड एंड दी माउस ठीक है एक बार 10 मिनट एक बच्चे ने चलाया है 10 मिनट दूसरा बच्चा चलाएगा माउस भी यूज़ करेगा और कीबोर्ड भी गिव स्पेस टू योर क्लासमेट वाइल दे आर यूजिंग कंप्यूटर ओके हमें बहुत ही मतलब टाइट आस पास पास बैठकर चिपक कर नहीं बैठना चाहिए थोड़ा सा स्पेस देकर बैठना चाहिए डोंट डिस्टर्ब अदर बाय प्लेइंग लाउड म्यूज़िक और हमें जब हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं हमें क्या नहीं करना चाहिए हमें दूसरों को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए या लाउड म्यूज़िक नहीं बजाना चाहिए थैंक यू